देखिए दीप, पिछले दिवाली में कोचिन शिपयार्ड हमने कवर किया था और हमारे टारगेट्स भी हो गए थे, तो मैं मानता हूं कि कोचिन शिपयार्ड यहां से भी काफी दमदार परफॉर्मेंस दे सकता है। अगर किसी ने शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव सोचा हो या मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव सोचा हो तो उनको बुक करना चाहिए। बाकी अगर लंबे समय के लिए किसी ने ले रखा है, 2-5 साल का अगर होराइजन है, तो बिल्कुल कोचिन शिपयार्ड पे रहना चाहिए, रुके रहना चाहिए। क्योंकि ये पूरा ही समूह गार्डन रीच, जैसे आप बता रहे हैं, मझगांव डॉक, कोचिन शिपयार्ड डिफेंस स्पेस में काफी अच्छा योगदान दे रहे हैं, और मैं मानता हूं कि आने वाले समय में डिफेंस एक ऐसा सेक्टर बन जाएगा जो टॉप 5 सेक्टर्स में आ जाएगा आने वाले 5 सालों में। तो कोचिन शिपयार्ड डेफिनेटली, अगर 2-5 साल का आपका होराइजन है, तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। ओके, तो कोचिन शिपयार्ड